माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड में छोटे शहरों की बेटियों ने कमाल कर दिया है। रिजल्ट शुक्रवार की दोपहर 1 बजे घोषित कर दिया गया। इसमें सभी 11 टॉपर छोटे शहरों की बेटियां हैं। कक्षा 10वीं में छतरपुर की नैन्सी दुबे और सतना की सुचिता पांडे ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। 12वीं के अलग अलग विषयों में 9 टॉपर्स भी लड़कियां हैं। दोनों ने 496 अंक हासिल किए हैं। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार सिंगल क्लिक से रिजल्ट जारी करते नजर आए। करीब 18 लाख स्टूडेंट्स ने ये परीक्षा दी थी। 10वीं में 59.54% पास हुए हैं। 12वीं के 72% स्टूडेंट पास हुए हैं। 10वीं के 3.5 लाख और 12वीं के लगभग 1,20,000 बच्चे इन परीक्षाओं में फेल भी हुए। कक्षा 10वीं में छतरपुर की नैन्सी दुबे और सतना की सुचिता पांडे ने 496 अंक यानी कि 99.2% अंक हासिल किए हैं। दोनों संयुक्त रूप से नंबर 1 पर हैं। हमें बहुत खुशी है, हमारे फैमिली मेंबर्स को भी बहुत ज़्यादा खुशी है। जब हमने अपना रिजल्ट देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा। एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही हमारा रिजल्ट रहा। हाँ, हमारे टीचर्स का भी हमारे उसमें बहुत फुल सपोर्ट रहा। और ऑनलाइन क्लासेस में हमें जो समझ में नहीं आता था तो हम पर्सनली सर लोगों से पूछ लेते थे। तो एक्सीलेंस स्कूल के जो टीचर्स हैं वो एक्सीलेंट टीचर्स हैं। सभी ने हमें बहुत मदद की, जो हमारे सब्जेक्ट टीचर थे सभी ने उन्होंने बहुत प्रमोट किया। तो इसमें टॉप रही, किसको श्रेय देना चाहेंगी सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा श्रेय हमारे टीचर्स को और हमारी फैमिली मेंबर्स में हमारी बड़ी सिस्टर को। माय नेम इज़ सुचिता पांडे। आई एम 15 इयर्स ओल्ड। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय 10th एंड माय रिजल्ट्स आर आउट। आई हैव गॉट 496 मार्क्स आउट ऑफ 500 एंड 99.2%। 12वीं में कला समूह में सागर की इशिता दुबे 480 नंबर के साथ टॉप रही। विज्ञान गणित समूह में श्योपुर की प्रगति मित्तल ने 494 अंक प्राप्त किए और कॉमर्स समूह में मुरैना की खुशबू शिवहरे ने टॉप किया। जीव विज्ञान समूह में शाजापुर की दिव्यता पटेल ने टॉप किया। 12वीं की मेरिट में कुल 153 स्टूडेंट हैं, इनमें 93 छात्राएं और 60 छात्र हैं। 10वीं के रिजल्ट को एक नज़र इस तरह भी देख सकते हैं। परीक्षा 18 फरवरी से 10 मार्च तक आयोजित हुई थी। इसमें कुल स्टूडेंट्स की संख्या 10,29,698 थी। इसमें 9,31,860 विद्यार्थी रेगुलर थे, जबकि 97,838 विद्यार्थियों ने प्राइवेट तौर पर परीक्षा दी थी। पास हुए 59.54 विद्यार्थी रेगुलर हैं, जबकि 19.49% प्राइवेट हैं। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 55.40% रहा, जबकि प्राइवेट का 59% रहा। 12वीं की मेरिट में भी छात्राओं ने कमाल किया है। 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 12 मार्च तक चलती रही। इसमें 6,97,880 स्टूडेंट शामिल हुए थे। इसमें 6,29,381 रेगुलर और 68,699 प्राइवेट स्टूडेंट थे। 153 स्टूडेंट्स में से 93 छात्राएं और 60 छात्र हैं जो मेरिट में अपनी जगह बना पाए हैं। निजी स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 5.38% बेहतर रहा। जो विद्यार्थी इन परीक्षाओं में फेल हो गए, ऐसे विद्यार्थी डरे नहीं बल्कि नए सिरे से अपनी परीक्षा की तैयारी करें। सरकार ऐसे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए टोल फ्री नंबर चला रही है। ये टोल फ्री नंबर है 1-800-233-0175। इस पर कॉल कर काउंसलर से बच्चे अपनी सलाह ले सकते हैं। रिजल्ट को लेकर बच्चों के मन में कोई भी सवाल या शंका है तो डरने की जरूरत नहीं है। बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी मंडल द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर आसानी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसमें नंबर कम आने से लेकर सभी तरह के प्रश्नों का जवाब काउंसलर देंगे। इस साल अब तक 1 जनवरी से 28 अप्रैल तक करीब 51,000 स्टूडेंट्स टोल फ्री नंबर पर कॉल कर चुके हैं। This program is sponsored by Maharaja Public School, Play to Third, छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल।